बहनों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जो बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ये एक जेंडर फाइट नहीं है, ये स्त्री पुरुष की फाइट नहीं है, ये फाइट है अच्छाई और बुराई की, ये गुड और एविल की फाइट है। क्योंकि इस फाइट में मुझे पता है कि हमारे भाई लोगों ने बहुत हेल्प की है, बहनों को बहुत मदद की है, जिसके कारण हमारे नए रूल लॉज आए, एमेंडेड लॉज आए। आज मैं आपको उसमें से एक एमेंडेड लॉ की बात करूंगी, बाकी आप लोगों को ये ब्रोशर्स दे दिए जाएंगे जहाँ पे आपको हमारे कायदे कानून जो नए बने हैं, एमेंडेड हुए हैं, जो अपनी बहनों को किस तरह सुरक्षा दे सकते हैं और जिससे उनको वो उसका लाभ उठा सकते हैं। एक सिंपल सा लॉ है 509 कलम जिसे कहते हैं, और ये मैं खास इसलिए बात करूंगी क्योंकि अब इट इज नेसेसरी कि वी टॉक ऑफ जीरो टॉलरेंस। मैं जीरो टॉलरेंस इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आज तक ऐसा हुआ है कि जब हमने एज ए बहन हमें पहले से सिखाया गया है कि हमें छोड़ जाता करना है या हमें वो किसी चीज को मीन्स थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर देना है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हुआ क्या, एक रिसर्च बता रही है, मैं आपसे एक रिसर्च डिस्कस करूंगी कि रिसर्च क्या बता रही है कि जब एक लड़का किसी लड़की को एक सिर्फ गाना गा के छेड़ता है, मेरे सर पर की रानी कब आएगी, तो नॉर्मली जब हम ये गाना गाते हैं कोई सुनता भी है और कोई लड़के ने ऐसा गाना भी गाया, हम कहीं जा रहे हैं तो हम हमारी मुंडी नीचे लगा के हम हंसते हंसते भी चले जाएंगे, हंसी आएगी कि कैसा पागल जैसी बात है कि गाना गा रहा है। लेकिन अब हुआ क्या, रिसर्च ने बताया कि जब ये लड़के ने गाना गाया, लड़की चली गई, तो लड़के को हिम्मत आई कि अरे वाह लड़की तो हंसी या लड़की तो गाना चली गई या मुझसे डर गई, तो ये हिम्मत लड़के में भी आई और साथ में उसके आसपास जो उसके दोस्त खड़े थे उन्होंने भी देखा कि अरे वाह ये तो गाना गाते हैं, लड़की तो हंसती है या लड़की तो चली गई, देखो लड़की ने कुछ नहीं किया। तो अब ये दोस्तों ने एक दूसरे दोस्त ने किसी और लड़की को इस तरह छेड़ा, तीसरे दोस्त ने और लड़की को छेड़ा। अब क्या हुआ कि अब ये दोस्त सब दोस्त है तो अब ये इन लोग के ग्रुप में लड़कियों की बातें होनी चालू हो गई, थोड़ी लड़कियों की और कुछ उन्होंने इंटरेस्ट लेने चालू कर दिए। यानी अब तक लड़के के मन में कोई पाप नहीं है, उनको कुछ करना नहीं है, लेकिन अब ये उनकी मस्ती चालू हुई। अब क्या हुआ कि मस्ती मस्ती में लड़कों को शो ऑफ करने की आदत है, तो मस्ती मस्ती में लड़के ने शो ऑफ करते करते अब किसी लड़की जा रही है तो हो सकता है उसके सामने खड़ा हो गया, कोई चैन चला किया, तो अब वो लड़की डर गई। ये सब मैं रिसर्च बता रही हूँ कि रिसर्च के कारण ये लॉ आया। अब ये जैसे ही लड़की डर गई तो अब वो लड़की का क्या प्रॉब्लम हुआ कि ना वो अपने घर में बता सकी, ये अपना सबसे बड़ा पेरेंटिंग इशू है कि अगर लड़की घर में बता दे तो माँ बाप उसको डांट देते हैं कि तूने कुछ किया होगा, उसकी स्कूल कॉलेज बंद कर देते, उसको जॉब पे बंद कर देते, तो लड़की डर जाती है, सहम जाती है और वो किसी को बताती नहीं है, इसलिए ये एक पेरेंटिंग का इशू हो गया। फिर अब सेकंड क्या हुआ कि अब लड़कों में और हिम्मत आने लगी, अब ये जो ग्रुप था वो दूसरी लड़की तीसरी लड़की सबको दिखा दे, सबको इस तरह परे, अब उनका जो मजाक थी वो थोड़ी परेशानी में बन गई, अब वो पावर प्ले चालू हो गया लड़कों का लड़कियों के सामने, क्योंकि उन्होंने वो उनको उनको मजा आने लगी। अब क्या होने लगा कि लड़कों ने और ये सब डिस्कस किया, और आजकल तो अपने मोबाइल पे सब क्या क्या फिल्में दिखती है अपने को, तो अब लड़के लोगों ने ग्रुप बना के, क्योंकि ये प्रैक्टिकल होता है गार्डन में, कई बार आप देखोगे रात के टाइम पे लड़के कुंडा लाल मार के बैठेंगे और ये मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखते रहते होते हैं, तो ये सब क्या अब हुआ क्या था, एक मस्ती मजाक से यहाँ तक फिल्म तक पहुँच गया, और फिर वो जो फिल्म देखने के बाद लड़कों को R&D का शौक हो गया, और फिर उस तरह ये एक मजाक छोटी सी मजाक इट वेंट इनटू टिल द लिमिट ऑफ गोइंग इनटू रेप मोलेस्टेशन एंड हैरेसिंग अ गर्ल। इसलिए ये सब हमारी जो वर्मा कमीशन ने कमेटी ने जो ये नए लॉज बना उसमें ये 5091 में खास ये लॉ है कि भाई कोई लड़का अगर आपको इस तरह कोई गाना गावे, अश्लील टिप्पणी करे, ऐसे कुछ चैन चाले करे, कुछ भी करे, तो उसके सामने एक कलम लगती है। अब हमको ऐसा नहीं करना है, हमको ये नहीं चाहते कि भाई हम लड़कों को जेल में भेज दें, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हम हमारे पेरेंट्स से या ये वडिलों से या बुजुर्गों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई ऐसा लड़का करता है तो वो अपने उस लड़के को बुलावे, खास करके अगर स्कूल कॉलेज का है तो आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट द टीचर्स, क्योंकि लड़की के लिए अपने माँ बाप से ज़्यादा उनके टीचर्स ज़्यादा वो रिस्पेक्टफुल रहते हैं, तो वो अपने टीचर्स को बतावे, तो टीचर्स उस लड़के को बुला के थोड़ा धमकावे कि नहीं बेटा लड़की की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, यू नो वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दैट। तो अगर हम ये करेंगे तो इसको मैं जीरो टॉलरेंस कहती हूँ, क्योंकि अगर आज हम जीरो टॉलरेंस नहीं रखेंगे तो ऐसे कई किस्से हैं जिसमें हमारी बेटियाँ बहुएँ दिकरियाँ माँ सब परेशान होती है, क्योंकि होता क्या है कि जो ये आदमी करता रहता है वो आज एक के साथ करेगा वो निकल जाएगा तो दूसरे के साथ करेगा, तीसरे के साथ करेगा, ऐसे कई केसेस है जिसमें जिस तरह एक लड़की नहीं लेकिन पूरी बहुत सारी बेटियों की लाइफ और ये कैरियर ये लोग बर्बाद करते हैं। इसलिए आज मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अभी जीरो टॉलरेंस रखो, हमारे पास लॉज है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है सिर्फ लेडीज़ की नहीं जेंट्स की भी वो एक हेल्दी होवे, उनमें जेंडर बायस कम होवे, उनको पता चले कि लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए ये सब हमें ज़रूरत है। इसलिए अगर हम ये सिर्फ ये 509 आपके पास ये पूरा लिस्ट है 509 आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, सो वी कैन स्टार्ट विद दिस, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप प्लीज़ जीरो टॉलरेंस रखिएगा सो दैट वी कैन हैव अ हेल्दी सोसाइटी।